दर्शक मित्र नमस्कार, और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधि भाषा और संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता हुआ गया है। यही संदर्भ में अवधि संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन। प्रस्तुत है अवधि संस्कृति के बारे के ये जानकारी। हुर्रे हो हुर्रे हो हुर्रे हो हुर्रे हो चले पुरवैया बयार, चले पुरवैया बयार की लाला लगे लगनवा, चले पुरवैया बयार लली लली उठवा समूच रंग चुनरी, लली लली उठवा समूच रंग चुनरी, चुनरी में लागे किनार हो, चुनरी में लागे किनार हो, चले पुर वैया बया। अवधि लोक गायन के ये मुखड़ा सुना गए। अवधि संस्कृति में लोक गायन और लोक नृत्य के विशेष महत्व है। एक समय में अवधि समाज में पाया जाए वाला ई लोक गायन लोक नृत्य के परंपरा अवधि भाषी क्षेत्र भर में नहीं, संपूर्ण पश्चिमी तराई मधेश क्षेत्र और उत्तरी भारतीय भूभाग में प्रमुख मनोरंजन के साधन के रूप में रहा। यह समाज में पाया जाए वाला पारंपरिक लोक गायन और लोक नृत्य का गांव बाजार से उठाए के राष्ट्रीय तह तक पहुँचाइब वह पंचायत काल में आसान नहीं रहा, लेकिन वह कालखंड में एक गैर अवधि मातृभाषी परिवार अवधि संस्कृति के यह विधा का राष्ट्रीय तह पर स्थापित करे के खातिर विशेष रूप से सक्रिय रहा। वही मध्य के एक हुए ससुमैया साक्य। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमरे लोग बहुत त्याग तपस्या किया गया है। पहले कार्तिक 22 गते श्रीपाद बड़ा महारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी के जन्मदिन में हर एक कार्तिक 22 गते काठमांडू में ये नाच के प्रतियोगिता कंपटीशन होता रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चर प्रोग्राम। तो वही के नाते पहले अपन जिला में प्रतियोगिता में जीत के उसके बाद में फिर पोखरा में जाएंगे, हाँ के वहां से जीत के तब काठमांडू जावा जाता रहा। हमने लोग ढेर बार गवा गए, फर्स्ट कई बार तो हम फर्स्ट आवा गए, गोल्ड मेडल पावा गए। आप अवधि समाज के एक धरोहर हो जात है। पंचायती काल में आप अवधि समाज के लोक गायन और लोक नृत्य परंपरा का जीवित रखे में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। वही कालखंड से आज तक अवधि समाज के पारंपरिक परंपरा के विकास के स्वरूप का आप कौने रूप में पावा जात है? राणा शासन में तो विकास रहा, उसके बाद पंचायत काल में उतना नहीं भय, लेकिन आजकल हमें लगा था विकास बहुत है और बहुत बढ़िया बढ़िया गीत कविता और ये हराई के गोल्डन हमारे संगीत है, ये कहरवा अनि यो धोबिया नृत्य गीत और कदरी हरे जमाई सब आजकल कहरवा ये उभर के आवत है, हम देखी था, हमें बहुत खुशी लागे। अवधि लोक गायन और लोक नृत्य के साथ है अवधि लोक समाज में पावा जाए वाले लोक चित्रकला के अपने विशाल स्वरूप है। आप संस्थागत रूप से अवधि लोक चित्रकला के प्रवर्धन के खातिर निरंतर रूप में सक्रिय हुआ जात है। आप लोग यह बीचे शिक्षा तथा संस्कृति प्रवर्धन केंद्र के मार्फत अलग अलग किस्म के तालीमों चलावा गया है। इसे अवधि लोक हस्तकला के विकास में कौने कौने किस्म के सहयोग पहुँचा है? वो तालीम देवल से यहाँ एक दिन मिला अपन मूर्तिकला चित्रकला फोटो वोटो बना के दुकान भी खुल गया, और जोन मने लोग थोड़ बहुत बनावट रहे उनके सुधर गए। पहले मने नहीं मिलत रहे चित्र बना वाला बैनर बनाए वाला मने नहीं मिलत रहे। हमारे दादा फुलस्केप कागज हुआ था पहले के जमाना में, फुलस्केप कागज में पेंसिल से बनाए के उसका काट के तूल कपड़ा में सब डाई के तब बैनर बना होते रहे, फ्री में बनाई देते रहे। बाल मंदिर जन बाल मंदिर नहीं रह गया है, हमारे दादा लिखे रहे।
अनि फिर ये गेस्ट हाउस में आई रहा पहले के पुराण वहां का अतिथि गृह लिखा रहा वो हमारे दादा का अक्षर रहा। तो बाद में ये अमृत दाई अमृत आर्ट स्टूडियो अन्ना आई है तो वो लिखे लागे पेंट करे लागे बैनर में लाल बैनर में। ओकरे बाद हमारे अरविंद हमारे भाई अरविंद सुरेश आचार्य इन लोग मिलके इन लोग शुरू करे लागे अमृत दाई के सीख से सीख के। तो बाद में ये चाचा आर्ट भी शुरू है। तो बाद चाचा आर्ट बहुत बढ़िया से प्रगति की नहीं आजकल सबसे बढ़िया मतलब अब चाचा आर्ट दशहरा में देखा जाए कुल मूर्ति उर्ति वो नहीं बनावत है नहीं वो नहीं भरना ही यहाँ चार पांच जगह ही बनावत है मूर्ति कुल बनत है। लेकिन यहाँ एक बात का जो हमारे पहले जमाना में जो मेहरारू लोग साड़ी लगाते रहे गठरी बनाई के जो पहरत रही वैसा वैसा आर्ट हमें नहीं देखा था। हम वही ना जनकपुर गए रहे तो वहां जनकपुर में जनकपुर की किसिम के आर्ट पूरा फाइव स्टार होटल में वो तार तार में तख्ता में बनाया रहा और का पर्दा वही के रहा मूर्ति भी वैसे वैसे बनाई के सजावा रहा। यहाँ भी वैसे यहाँ के मनई लोग में उतना शौकीन नहीं है। अब धीरे धीरे अवधि लोक हस्तकला के क्षेत्र में विशेष कई के यह क्षेत्र के युवा लोगन के आकर्षण बढ़े लाग है। आगामी दिन में यह विधा के प्रवर्धन के खातिर का करब जरूरी देखा जात है। मरे लोग शौक भी करे पड़ा कम से कम वो आर्ट बना वाला मरे लोगों के भी तो दो चार पैसा कमाएगा अपने रह के अपन जिंदगी गुजारे के जीवन यापन के लिए अच्छा हो। यहाँ मन लोगन उतना नहीं शौकीन है लेकिन अब कैसे उन्हें लोगों के जागरूक किया जाए खाली यहाँ के समाज के भर नहीं ऑफिस ऑफिस में ऑफिस के मन लोग भर ये आर्ट के नहीं अपन ऑफिस में तनी सजा वाला फोटो वोटो लगाई ले जैसे ये होटल लोग होटल में ये कपिल भक्त तिलोरा कोर्ट हॉल से यहाँ ढेर को पर्यटक लोग आवत है कौनो यहाँ दुकान जैसे छोट छोट हेंकी नहीं होता है छोट छोट रुमाल हेंकी जो मुंह पोता जाता है वैसे छोट छोट सूती के कपड़ा में बुद्ध भगवान के चित्र बनाई के अथवा आठ छोट छोट बुद्ध के मूर्ति बनाई के सेरामिक मोल्ड वगैरह बनाई के ये तौले वाले गेट के शुरुआत में कोई दुकान हो और वहाँ एक छीन पर्यटक लोगों के गाड़ी रोक के वहां उन्होंने रुके पाए थे तब तक यहाँ के आर्ट के तभी विकास होत ये सब हमने सोचे पड़ा। इंडिया में वहाँ माउंट आबू में आप जाओ जाए वहां देखा जाए वहां चित्र में भी वो ओम शांति के कुल कथा लिखे रहता है चित्र में ओकरे बाद में मूर्ति बनाई के कुल रखे ओकरे बाद में वीडियो ऑडियो वीडियो और दिखावत है हमने उन्हें घुमावे ले जाते हैं वहां ले जाके दिखावत है कुल प्रश्न ओकर उद्देश्य क्या है कुल दिखावत है मने उन्होंने कैसे हो चाहिए कैसे नहीं हो चाहिए। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र वैसे हमरे कपिल वस्तु के जैसे यहाँ हम जो ये जिला के प्रदेश कार्यालय के आगे जो पोस्टर लोग लगावा है नहीं वैसे वहाँ मूर्ति बुद्ध भगवान के जन्म से मृत्यु तक के वहाँ फोटो वोटो लगा हुआ और जो लाइट में आवश्य नहीं जय श्री राम को आवत नहीं वो क्या कहते हैं वैसे बहुत शब्द मंगलम अथवा नमो बुद्धाय आप तौलिहवा के स्वागत द्वार के चर्चा किया गया। ये वास्तव में तौलिहवा के एक पहचान हो यह द्वार का प्राचीन शाक्य राज से जोड़े की खातिर यहाँ और का करब जरूरी देखा जात है। जैसे ये कपिल वस्तु प्राचीन कपिल वस्तु द्वार करके लिखा है वहाँ प्राचीन कपिल वस्तु स्वागत द्वार कैसे इंग्लिश एंशिएंट कपिल वस्तु एंट्रेंस गेट कहीं वहां लिख के रख दे वैसे लिख दे तो बहुत हमारे मन में ये इच्छा है अब हम कुछ नहीं कर पाए। आप अवधि समाज के एक अंग के रूप में आपन जीवन बितावा गया है आप लोग यहाँ की जीवन पद्धति का कौने रूप में अपनावा गया है और यह स्वरूप का कौने रूप में देखा जाता है। हमारे लोगन अवधि मधेशिया टोला में जन्म लेन मधेशिये सबसे पहले तो हमारे मधेशिये सिया गए उकरे बाद में हमारे लोग नेवारी सीखा गए हमारे लोग नेवारी बोली चाहे पहाड़िया नेपाली बोली वो हमारे मधेशिया शब्द चला जाता है
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यहाँ रहो तो पहाड़िया कहीं है, काठमांडू जाओ तो मरसिया वो कहीं है हमारे लोगों के। अब हमारे लोगों घर में नेवारी तो कब को बोला जाता है नहीं, लेकिन हमारे लोगों के भाषा हमारे लोगों गोरिया तब वो देशीय भाषण गोरिया होते हैं हमारे दादा भी, हमारे लोगों पहाड़िया बोली तब वो हमारे दादा देशीय बोले वही के नाते हमारे सब देशीय बोला होता है। घर में हमारे आज ही पालपा के मने पालपा के नहीं उनके नहीं पालपा रहा लेकिन मरे नहीं वो देशीय बोल के मरी। हमारे लोगों के घर में खाना वाना कुल बनाते हैं वो देशीय तरीका से, हमारे पहाड़िया देशी लोग जोन ये सब्जी वब्जी भी ढेर फूल तलल तेल में तलल पकावत है, मछली भी घूट के पकावत है नहीं, लेकिन पहाड़ के ओर मछली के पानी में रख के मसला उसला कुल पकाई है उसके बाद मछली डाल रही है तो वो झोल पी है, लेकिन हम लोग ना जाना था जब हम पोखरा में गए तालीम में तो वहां मछली लिया था मछली ले आते गई मेस में तो बोल रहे आज तो मछली भात खावा गई था तो वैसे झोल मछली हम जिंदगी में कभी नहीं खा रहे हमें नहीं निकला। तो हमारे उनके खाना पीना पहिरन कुल ये देशी है। आप सामाजिक जीवन बितावे के साथ है यही क्षेत्र के एक सफल शिक्षक के रूप में आपन भूमिका निर्वाह कर चुका गया है, आप अपने यह शिक्षा की यात्रा के शुरुआत कैसे और कहाँ से किया गया? बुद्ध पद्म स्कूल से हम अपन शिक्षा हम पढ़े हैं वहाँ 10 कक्षा तक वहाँ पढ़े, ओकरे बाद में इंटर बीए सोहतगढ़ के इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में बीए करे हैं। पेशागत रूप में हमारे दादा मास्टर रहे शिक्षक रहे हैं तो हमू के शिक्षक शिक्षण पेशा नीक लागत है वही से हम शिक्षक शिक्षण पेशा में लागे। वहाँ पहले शिक्षा ऑफिसर हम उनके सर्टिफिकेट तालीम में पोखरा भेज रहा, एक वर्ष के तालीम वहाँ पास करके एक यहाँ आए के प्राविय स्तर में भरना हुआ भयन हम मास्टर में प्राविय स्तर के टीचर में भरना भयन ओकरे बाद में एक साल बाद इंटर यहाँ से पास हो के तो बाद में हम फिर निम्न माध्यमिक स्तर में ट्राई करें पास हो गए तो तब से 2032 साल में प्राविय स्तर में रहे 33 साल से 2072 साल तक हम टीचर शिक्षक पेशा में हमारे मेन विषय इंग्लिश रहा इंग्लिश पढ़ाई के बिताए। विद्यालय शिक्षा के साथ है आप बौद्ध धर्म पर आधारित शिक्षकों का यहाँ के लोगन का सिखावा गए, यही क्रम में आप यह शिक्षा का कैसे शुरू किया गए और यहाँ लोगन का काव काव सिखावा जात रहा? स्कूल में हम इंग्लिश विषय पढ़ावत रहे ओकरे साथ साथ हम बच्चा लोगन के पर्यति शिक्षा बौद्ध धर्म संबंधी पर्यति शिक्षा के विश्व शांति बिहार में 5 दिन के तालीम लेके लड़कन के पर्यति शिक्षा भी पढ़ायन 8-10 वर्ष पढ़ायन ओमन बच्चा लोगन के बुद्ध भगवान बुद्ध शिक्षा बुद्ध के उपदेश शील अनिचार्य आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग आदि आदि सब बच्चा लोगन के पढ़ायन। बुद्ध के इतिहास के बारे में लड़के लोगन के हम बढ़िया से पढ़ायन ध्यान शिविर संचालन करें, ध्यान शिविर से बच्चा लोगन के उच्चृंखल स्वभाव ठीक हो जाता है, चरित्र निर्माण करे करते बहुत काम लागत है वैसे हम बच्चा लोगन के ध्यान शिविर भी चलाएं। पर्यति शिक्षा में सबसे पहले ध्यान बच्चा लोगन के 5 मिनट हो तब वो 5 मिनट ध्यान करावा जाता रहा हमारे लोगन, उसके बाद में बुद्ध के इतिहास और उनके उपदेश फिर आजकल शील स्वभाव वाला मन ही नहीं रहता है, यदि हमारे लोग लड़की के ब्याह करे हुए है कि अगर शील स्वभाव कैसा है कह के पूछ के किया जाता है तो वही से सबसे पहले लड़कन को बच्चा लोगन के चरित्र निर्माण करे दिन ये शील के बहुत बड़ा हाथ होता है। और 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध 4 आर्य सत्य के बारे में बताए हैं, जैसे कि हम बीमार पड़े हैं
नहीं बीमार पड़ी गए एक तो बात गए फिर ओकरे बाद में कहा बीमार पड़ी है कारण दुई तो है नहीं अब वो कारण के समस्या समाधान कैसे हुई दवाई के समाधान हुई इंद हो गए नहीं तो दवाई खाई के हम ठीक हो गए वो चार हो नहीं तो चार आ सत्य वैसे कई कई क्यों के समाज के क्यों से झगड़ा हुई है नहीं कहा झगड़ा हुआ ऐसे जहां जो समस्या के समाधान करे बजू की चार चार आर्य सत्य बहुत काम करत है फिर ये अष्टांगिक मार्ग हमें बढ़िया से तो मालूम नहीं है लेकिन भगवान बुद्ध कहे हैं कि मनई जन्म लेके जब तक नहीं मरवो तब तक मनई लोगन के सुख हुई दुख हुई नहीं धनी हुई गरीब हुई मान मिली सम्मान मिली जस मिली अब जस मिली जब तक मनई ये सब बात मने लोगों के भोगे पड़ते है जिंदगी में कहे भगवान बुद्ध कहे हैं तो यही से हमरे लोगों के फिर मध्यम मार्ग हमरे लोगों मध्यम मध्यम मार्ग के रास्ता में चलने पड़ता है जैसे दो जना के झगड़ा हो गए और खाली एकरे एक जना के ओर चलो तो दूसरे के गुस्सा लगी दूसरे के ओर चलो तो तीसरे के गुस्सा लगी वही से दोनों मिला के कैसे भला हुआ है वैसन बात करे चाहिए सपो मर जाए लथियो न टूटे। आप बौद्ध शिक्षा के साथ है कपिल वस्तु में स्काउट के एक प्रशिक्षक के रूप में काम किया गया। यही क्रम में स्काउट के प्रारंभिक परिचय देत के एकरे विशेषता का बतावत के एकरे बारे में आप काव कहा जाए। स्काउट शिक्षा कहल मनई लोगन ये सुख सुविधा बिना बिताए वाला जीवन के बारे में है। मनई के साथ कुछ न रहे तब वो कैसे जीवन व्यतीत करे जंगल में जाके रहे वाला जानवर लोगन से सुरक्षित कैसे हो वाला घर कैसे बनाए वाला पानी बरसल टाइम में कैसे रहे वाला कहो बर्फ बर्फ जमल जगह में कैसे बचे वाला ये उपाय सब ओमन रहत है। आपके साथ है आपके पिता अर्थात तेज कुमार बौद्धाचार्य जी यही समाज के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में आपन संपूर्ण जीवन लगाए दिन आप अपने पिताजी के यह योगदान के बारे में काव कह चाह जाते है। हमारे पिताजी बुद्ध पद्म स्कूल के शायद हेडमास्टर रहे वन जितना त्याग तपस्या तो लेवा के लिए कीन वो आजकल क्यों नहीं करी है एसएलसी के जहां जब नजीक हो जाता है तो हमारे दादा स्कूलिये में दो तीन महीना पहले विद्यार्थी लोगों के बुलाए के अपने वही सुधरते रहे लड़के लोगों के भी वही सुधावत रहे पढ़ावत रहे ये उमाशंकर लोग सब जने वैसे के पढ़े हैं और यहाँ घर में ट्यूशन पढ़ावत रहे लेकिन पढ़ाइए दो चार जना के लेकिन 20-25 जने वैसे फ्री में पढ़त रहे। फिर शिक्षा ऑफिस में विद्यार्थी लोग कक्षा आठ तक पढ़े हैं तो मास्टर जी ओवन सही कही गए हैं तब तो 10 कक्षा के बाद गांस दे पाई है कही गए नियम बना रहा तब हमारे दादा से आई गए सिफारिश सिफारिश लिखवाई के लिए आजकल सिफारिश करेगी भी पैसा लगा था पहले जोन काम फ्री में होता रहा आजकल वो पैसा तिरे पड़ता है मेहंदी लगा तो पैसा जूरा बना तो पैसा तनी के साइन करा तो पैसा पहले जोन काम फ्री में होता रहा वो आजकल कुल बिना पैसा के आजकल कुछ नहीं होता है बहुत त्याग तपस्या की नहीं कैंपस के शुरुआत के रजिस्टर गोपाल गोपाल बहादुर सिंह और हमारे दादा दोनों जने मिल के कैंपस के शुरुआत गिन रहा वो रजिस्टर आज अभी तक हमारे घर में मिलत है पुस्तकालय के पुरान पुरान संजय के ये रजिस्टर मीटिंग के रजिस्टर वो हमारे घर में मिलत है बहुत त्याग तपस्या की नहीं हमारे दादा कांग्रेस के का चौवनिया सदस्य भी रहे वो टाइम में कांग्रेस के संवाददाता रहे उन बनारस में यहाँ के रिपोर्ट को लिख के पढ़ावत रहे भेजत रहे और कहूं बनारस में बनारस के बीएसयू में विद्यार्थी लोगों के भर्ना करे गए हमारे दादा के विद्यार्थी लोग के
हमारे दादा ले जाएगी वहां भरना करावत रहे। सोरठगढ़ में जितना विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हमारे दादा जात रहे वहां, और वहां के मौलवी साहब जो है प्रिंसिपल हमारे दादा बहुत बढ़िया चिन्हत रहे हैं, हमारे दादा बोलावत रहा वहां। यहाँ विद्यार्थी लोग 75% विद्यार्थी लोग नेपाली हैं, वैसे आप आए के यहाँ नेपाली पढ़ावा गए हमारे लोग पैसा दे गए, लेकिन हमारे दादा ना ही गए वहां। हमारे बाजे का सिखाई रहा कि अपन भाषा कब बोलना छोड़ो, अपन देश कब बोलना छोड़ो, अपन धर्म संस्कृति कब बोलना छोड़ो, तो वही से हमारे दादा वहां ना ही गए। तब वहां जब जो ये डिग्री कॉलेज खोले के पड़ा, तब यहाँ से हमारे दादा के यहाँ से ले गए वहां मौलवी साहब हमारे दादा के गोरखपुर में ले गए रहे कि नेपाली विद्यार्थी लोग वहां आके पढ़ा था, वही से यहाँ डिग्री कॉलेज के खोले के परमिशन दिया जाए के नेपाली प्रतिनिधि के रूप में हमारे दादा के ले गए वहां मौलवी साहब। शैक्षिक और साहित्यिक विकास के साथ है बौद्धाचार्य जी एक साहित्यिक व्यक्तित्व रहे, आप उनके यह योगदान के बारे में काव कहे चाहा जात है। हमारे दादा पहले से कविता विता लिखत रहे हैं बुद्ध पूर्ण के जो प्रार्थना रत रहा हे दीन नाथ भगवान सब दुख नाश हमरो, ये हमारे दादा लिखिन रहा पहले से हमारे दादा लिखत रहे। हमारे बाबा हमारे दादा के मुहावरा वाला खूब निक लागत है उनका ये मुहावरा अभी गजल वगल ये मुशायरा मुशायरा प्रोग्राम हमारे दादा के बहुत निक लागत है, मुशायरा सुनने वाला गजल सुनने वाला बहुत निक लागत है उनका, तो उन लिखत रहे हैं उन कविता लिखत रहे हैं, तो उनके देखे हम पीछे पीछे आए, तो फिर बाद में यहाँ दो जने कवि आ रहे हैं काठमांडू से, तो उनका कहीं कि लिखो जसले हांस तसले जान जा, तू लिखा करो तुम लिखे कर दिन आई गई, तो ये कहीं तो हम लिखे लागे। जब काठमांडू में कल्चर प्रोग्राम हो रहा, काठमांडू में कल्चर प्रोग्राम हो वाला गीत कविता हमारे लोग गोरखपुर के रेडियो के जो आवत आवती प्रोग्राम वही के हमारे लोगों ने सुनी के हमारे लोग गीत बनावा जा रहा, जितना हमारे लोग कार्यक्रम नहीं गवा गया कॉम्पिटिशन के लिए सब बनाई के म्यूजिक में रख के तब हमारे लोगों ने करा गए गीत भी बनाई थन कविता भी लिखी थन। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन, आप दर्शक महान भाव लोगों से और का कह चाहा जात है। हमें सबसे चिंता ही लागत है हमारे तौलेवा के मने लोग कहते हैं कि ऑफिस में अवधि भाषा से कुल लिखा पढ़ी करा जाए, लेकिन उन्हें लोगों अपने घर में अवधि नहीं बोलते है, खड़ी हिंदी बोलते है, भौजी के भाभी कहते हैं, दादा के पिताजी कहते हैं, उन्हें लोग खड़ी हिंदी बोलते है यहाँ के, यहाँ खड़ी हिंदी बच्चा लोगों के बच्चे से खड़ी हिंदी सिखावत है, जब बच्चा लोग समाज में मिला थे तब जाएगी उन्हें लोगों ने अवधि सीखते है, ऐसा नहीं है तो बहुत दुख लगा था क्या गाँव घर में नहीं है, इस शहर में जब उन्हें वो हिंदी बोला था तो समझते कि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन गए, हमें बहुत दुख लगा था क्या आखिर में ये खड़ी हिंदी तो हमें इंडियन भाषा जैसे लगा था, लेकिन हमारे यहाँ के जो भाषा है वो तो हमारे अवधि हुए नहीं, तो वही से हम सब जने से अवधि भाषा यूज किया जाए प्रयोग किया जाए अवधि भाषा से बोला जाए, और यहाँ फिल्मी स्टाइल में लड़के लोग सब फिल्मी स्टाइल में लगावत है, फिल्मी स्टाइल में गीत गावत है, डीजे लगाई के नाच गान करते हैं, देखा जाए एक तो डफली रहते हैं और माठी जो करते हैं गीत गाई के जाते रहे, लेकिन आजकल वो डीजे पे है आगा भी वैसे लगावत है, आगा देह टोपे खत्म लगावत है कि देह दिखावे खत्म लगावत है, हमें बहुत गुस्सा लगा था, लेकिन क्या करे वो भी विचार करे करते हैं, अब कैसे समझने हम आप लोगों से ये निवेदन करी थे कि अपन धर्म संस्कृति रीति रिवाज संस्कार चाहे जैसे बचावा जाए। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है, हम कार्यक्रम संचालक विक्रम मणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए, नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई, नमस्कार।